हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट लेआउट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस फ्लोट। फ्लोट होता क्या है और उसका यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स, द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइन द फ्लो ऑफ कंटेंट, मतलब जो हमारा कंटेंट है उसको फ्लो में लाने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। लेफ्ट क्या करता है, द एलिमेंट फ्लोट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर, एंड राइट क्या करता है, द एलिमेंट फ्लोट टू द राइट ऑफ इट्स कंटेनर। मतलब जो कंटेनर है हमारा, इसके लेफ्ट, अगर लेफ्ट का अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसके लेफ्ट में फ्लो करेगा, राइट करते हैं उसके राइट में फ्लो करेगा। सपोज डेट, जैसे हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो, एक ये इमेज है और एक टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है इस इमेज के जस्ट फ्लोट लेफ्ट आ जाए, तो क्या करेंगे, हम इमेज को लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट। जैसे हम फ्लोट लेफ्ट लिखेंगे तो हमारा कंटेंट इस तरीके से विजुअल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक डिव लिया है, कंटेंट पहले ही लिख लिया हूँ, क्योंकि अगर लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो मैं पहले ही कंटेंट लिख लिया हूँ। एक डिव लिया हमने कंटेंट के नाम से, और उसके अंदर एक टैग लिया इमेज, हमने एक इमेज टैग लिया और फिर एक पी टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिया। अब फ्रेंड्स इसका देखते हैं आउटपुट कैसा दिखता है। जैसे हम इसको देखते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखता है। एक और कंटेंट है जिसको मैं पहले इसको ये, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिखता है। तो जैसे हमारा ये पेज है, इसको ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं ये इमेज हमारा आ गया और ये हमारा कंटेंट आ गया। बट मैंने क्या बोला था, मैं चाहता हूँ इस इमेज के फ्लोट लेफ्ट आ जाए, ये कंटेंट मतलब यहाँ पे दिखे, तो कैसे दिखेगा आइए देखते हैं। हम क्या लिखते हैं, हमारा जो क्या है इसका इमेज, इमेज टेक्स्ट हम लिखते हैं क्लास आई एम जी टी टेक्स्ट। ओके, आई एम डी टेक्स्ट को हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बस मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट लिखा तो हमारा जितना इसके नीचे जो कंटेंट थे ये उसके लेफ्ट में आ गए हैं। ये प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की, ये प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। अब यहाँ पे जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज जो है, अगर हम इमेज को ही अगर फ्लोट राइट देना चाहें कि भाई इमेज तो राइट में चला जाओ, तो कैसे, आप देख सकते हैं फ्लोट राइट, मतलब हमने इमेज को कहा भाई तुम फ्लोट राइट में हो जाओ, तो राइट में चला गया, जो टेक्स्ट है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ गया। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। अब हम देखते हैं फ्लोट से कैसे हम मेनू या कुछ भी बनाते हैं। फ्लोट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूज होता था, बट मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जब से CSS3 ने फ्लेक्स बॉक्स को ला दिया है मार्केट में, तब से फ्लोट का यूज बहुत कम हो गया है। क्योंकि फ्लोट का अगर हम जब यूज करते हैं ना, तो रिस्पॉन्सिव करने में बड़ी दिक्कत होती है, बट इसीलिए CSS ने अपने आप को अपडेट करके फ्लेक्स बॉक्स लाया। और फ्लेक्स बॉक्स में क्या है कि रिस्पॉन्सिव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी हम फ्लोट को समझते हैं यहाँ पर। सपोज जैसे हमारा एक और हमने कंटेनर लिया इमेज के नाम से, इमेज कंटेनर के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स, इमेज कंटेनर हमने तीन डिव लिया है, div1, div2, div3। ओके, इसके अंदर इमेज हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसको हम चाहते हैं तीनों इमेज एक लाइन में दिखे, ठीक है। अभी देखिए, अभी तो इमेज कैसे दिख रहा है हमारा, समझ लीजिए हमारा इमेज है, मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा हमारा पार्ट। अब देखिए हमारा इमेज कैसा दिख रहा है, अब देखिए तीनों नीचे आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ भाई वो देखे ना एक लाइन में दिखे, तो कैसे दिखेगा, तो हम फ्लोट प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो फ्लोट प्रॉपर्टी जो हम लगाते हैं, तो हम पहले जैसे मान लीजिए हमारा img1 है, हमारा क्लास img1 है, तो हम img1 को लिखते हैं, img1 को लिखा फ्लोट लेफ्ट। अब देखिए मतलब फ्लोट लेफ्ट लिखा हमने, ये तो आई एम जी वन एक यही है, अब इसके लेफ्ट एक इमेज आ गया,
अब मैं चाहता हूँ इस इमेज के लेफ्ट ये इमेज आ जाए, तो कैसे आएगा? इसके लिए लिखूँगा इमेज टू को भी लिखूँगा मैं, आई एम जी टू को भी लिखूँगा फ्लोट लेफ्ट। अब देखिए ये भी इमेज आ गया, मतलब देखिए अब तीनों इमेज एक लाइन में आ गए ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। अब अगर और भी इमेज होता तो इसकी विड्थ हम डिफाइन करते हैं, विड्थ डिफाइन करेंगे तब उसको एक लाइन में लाएंगे। फ्रेंड्स पहले इसको मैंने बताया ना बहुत यूज किया जाता था, मुझे नहीं लगता कि आज भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब से अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आ गया तो आप फ्लोट का यूज़ नहीं करेंगे, ये 100% से होती है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही अच्छा है। जब आप उसको जब उस पर वर्क करेंगे ना, जब आप यूज़ करेंगे तब आप कहेंगे यार फ्लोट छोड़ो यार, फ्लोट तो पुराना हो गया। बट ये कि फ्लोट हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि फ्लोट होता क्या है, ये सारे वर्क होते हैं फ्लोट के माध्यम से। फ्रेंड्स एक बात और, latestlayout.com की वेबसाइट भी है, यहाँ से आप फ्री और प्रीमियम वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका URL मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।